गुजरात में उत्तर भारतीयों पर हमले को लेकर सियासत अब भी जारी है। विपक्ष सीएम विजय रूपाणी के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है, लेकिन वहीं सरकार आश्वासन देकर अपना बचाव कर रही है। मगर अब सूरत में लगे इन गैर गुजराती विरोधी पोस्टर्स को देखने के बाद विपक्ष के तेवर और तल्ख होने वाले हैं। इन पोस्टर्स में गैर गुजरातियों के वापस जाने की बात लिखी है, हालांकि पुलिस ने इन्हें हटा दिया है। गुजरात में गैर गुजरातियों के साथ जो सलूक हुआ उस पर मचा हंगामा अभी थमा भी नहीं था कि अब इन पोस्टर्स ने फिर से सियासी गलियारों में बयानबाजी का दौर तेज कर दिया है। सूरत शहर में रिहायशी कॉलोनियों में कुछ पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिसमें गैर गुजरातियों के कॉलोनियों में घुसने पर रोक लगाने की बात लिखी है। बताया जा रहा है कि मारुति विला रिहायशी सोसाइटी के अध्यक्ष मनोज कपाड़िया के कहने पर यह बैनर कॉलोनियों के एंट्री गेट पर लगाए गए हैं, जिन पर लिखा है कि सिर्फ गुजराती लोगों को अपना सामान बेचने और किराए पर रहने की अनुमति है। आपको बता दें कि इस इलाके में गुजरातियों से ज्यादा प्रवासी मजदूरों का प्रभुत्व है। यहाँ बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा से प्रवासी भारी तादाद में कपड़ा फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन अब इन लोगों को बाहर जाने का फरमान सुनाया गया व इन पोस्टर्स का विरोध भी तेज हो गया है। लोगों ने इस पर आपत्ति जताई है, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें हटा दिया। साथ ही सोसाइटी के अध्यक्ष मनोज कपाड़िया का भी बयान दर्ज किया जाएगा, जहां भविष्य की कार्रवाई को लेकर दिशा तय की जाएगी। लेकिन इन पोस्टर्स को लेकर सवाल उठता है कि क्या सीएम रूपाणी का आश्वासन झूठा था? क्या गुजरात में अभी भी नहीं थमा गैर गुजरातियों पर अत्याचार? आपको बता दें कि बीते 10 दिनों से गुजरात में गैर गुजरातियों का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। साबरकांठा जिले में 14 महीने की बच्ची से बलात्कार के आरोप में बिहार के युवक की गिरफ्तारी के बाद से सूबे में उत्तर भारतीयों पर हमले बढ़े हैं, जिससे करीब 20,000 लोग पलायन को मजबूर हैं। वहीं सीएम विजय रूपाणी ने आश्वासन दिया है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन ये पोस्टर्स बयां करते हैं कि गुजरात में गुजारा मुश्किल है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।